Hello everyone, welcome to our channel Padhai India. My name is Prashant Chandra. I have given UPSC IAS mains and UPPCS mains and qualified prelim exam with very good score many times. I have a very vast experience in UPSC IAS and state PCS, especially UPPCS also. We have developed a website named PadhaiIndia.com where you can solve test series for various competitive examinations. Currently, we have made IAS prelims test and UPPCS prelims test for 2020. Paper is very close to UPSC IAS prelims and UPPCS also. Trust me, if you solve these tests with proper analysis of each and every question, you will definitely score good marks. You can follow us on Twitter, FB, Instagram, where daily current affairs are being updated. I have given a link in description box. So guys, today we are starting with environment series. मैं जो अभी चालू कर रहा हूँ वो environment series है. Environment series में मैं mostly current affairs issues लूँगा क्योंकि most of the cases में current affairs issues आते हैं. But जो हेल्प लूंगा मैं वो शंकर आईएस से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक है. शंकर आईएस की स्टैंडर्ड बुक है, उसमें सारा, लेकिन उसमें सारा कुछ नहीं पढ़ना है शंकर में. जो जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या एसएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जनरल स्टडीज में आएगा, मैं आपको उसी के हिसाब से पढ़ाऊंगा. क्लाइमेट चेंज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्लाइमेट इश्यू अभी हो रहा है और कोविड के कारण क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. तो ये हो सकता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको पूरा देखिएगा, ठीक है, और अच्छे से उसको समझिए. बहुत ही सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज में मैंने समझाया है. तो क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट सीरीज में सबसे पहले मैं क्लाइमेट चेंज ले रहा हूँ, और क्लाइमेट चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी ओशियन है. तो ओशियन का जो एसिडिफिकेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वजह से हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, CO2 बढ़ा, तो ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ. तो ये इन्वायरमेंट सीरीज में चालू कर रहा हूँ. इन्वायरमेंट सीरीज में मैं भी क्लाइमेट चेंज टॉपिक ले रहा हूँ. उस क्लाइमेट चेंज टॉपिक में मैं ओशियन एसिडिफिकेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है. चलिए फटाफट देख लेते हैं व्हाट इज, पहले बता दूं ओशियन एसिडिफिकेशन के पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अर्थ का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता देता हूँ कि अर्थ जो है मोस्टली वाटरी प्लैनेट, आपको पता है, ठीक है. उसमें से अर्थ में से 71% जो है अराउंड, वो अर्थ का सरफेस जो है वो कवर्ड विद वाटर है, ठीक है. उस 71% का 96.5% जो है वो वाटर कहाँ पे है, इन ओशियन में. तो दैट्स वाई ओशियन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बायोडाइवर्सिटी एंड इन ऑल्सो क्लाइमेट चेंज, ठीक है. तो हमारा जो ओशियन है, हमारा जो ओशियन है वो क्या काम करता है, किस का काम करता है, वो कार्बन सिंक का काम करता है, ठीक है. कार्बन सिंक मतलब क्या होता है, मतलब कि जो भी कार्बन अराउंड एटमोसफियर में है तो ओशियन क्या करता है, उसको अपने स्टोर कर लेता है, अपने वाटर में स्टोर करता है, ठीक है. इसलिए उसको कहते हैं सिंक कहते हैं, ठीक है. उसको कहते हैं कार्बन, जैसे सिंक होता है ना घर में जब पानी धुलते हैं, ठीक है. तो क्या होता है, जब नल से पानी धुलते हैं तो वाटर कहाँ आता है, वो सिंक के थ्रू नीचे जाता है और नीचे एक टनल रहता है उसमें स्टोर होता है. तो उसी तरह ओशियन, मान लो ये एटमोसफियर है तो यहाँ पे जो भी CO2 है वो जाके कहाँ भरेगा, ओशियन में आएगा, ठीक है. तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज ओशियन सिंक कहते हैं, ठीक है. इट एब्जॉर्ब द क्वार्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि क्वार्टर ऑफ द CO2 जो है, एक चौथाई हिस्सा CO2 का, वो कहाँ पे, क्या कहते हैं, जो ह्यूमन प्रोड्यूस करता है वो कहाँ पे जाता है, ओशन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है. और देखिए, फिर देखिए हेयर, तो मैं आपको यहाँ बता दूं मैं क्या क्या देना है. ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, कॉजेस के बारे में बताऊंगा, उसके मैरीन इकोसिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, ताकि उसका जनरल अवेयरनेस हो जाए. तो आपको ये चीज पॉइंट समझ में आ गए, मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आपको ये भी समझ में आ गया कार्बन सिंक की तरह काम करता है, कैसे सिंक, जैसे घर में सिंक होता है, पानी कहाँ इकट्ठा होता है, नीचे एक टनल में जाके होता है, पाइप से जाता है, तो उसी तरह एक ओशन भी काम करता है, ठीक है. देखिए यहाँ मैंने पीएच वैल्यू की चार्ट दी है, मैं आपको पीएच वैल्यू के बारे में बताऊंगा, पीएच वैल्यू क्या, कई बच्चों को जो नए उनको नहीं आता होगा, ठीक है. तो ओशियन प्ले आर इंपॉर्टेंट रिजर्वर ऑफ CO2, आपको बता दूं ओशियन जो है हमारा CO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो रहा है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, उसका बहुत ही हिस्सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजर्वर है, ठीक है. अब्सॉर्बिंग अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ 1/3 प्रोड्यूस बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जो ह्यूमन एक्टिविटीज से हुए हैं उसका 1/3 जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ओशियन एब्जॉर्ब करता है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है. तो इसके जब ये एब्जॉर्ब करेगा उसका क्या इफेक्ट होगा, किसमें इफेक्ट होगा, क्लाइमेट चेंज में, ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज होगा, क्योंकि ओशन की बायोडाइवर्सिटी बिगड़ेगी इसके कारण, क्योंकि सब एसिडिक हो जाएगा ना, तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बायोटा है,
मतलब जो एनिमल्स है, छोटे छोटे क्रस्टेशियंस हैं, छोटे कोरल्स हैं, वो बिगड़ेगा, तो उससे क्या बिगड़ेगा? फिशेस के लिए जो वहाँ पे एनिमल्स है वो, उनका फूड चेन और वेब चेन बिगड़ेगा, तो उसकी वजह से एटमोसफेयर में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे देखिए, व्हाट इज ओशन एसिडिफिकेशन? ओशियन एसिडिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द ऑन गोइंग कंसिस्टेंट डिक्रीज इन पीएच ऑफ द ओशियन वाटर। पीएच चार्ट होता है जिसमें हम 1 0 से लेके 14 तक होता है, ठीक है, नॉर्मली, और उस पीएच चार्ट में बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि जब पीएच की वैल्यू लगातार घटती जा रही है, उसी को हम ओशियन एसिडिफिकेशन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अभी अभी ओशियन का मान लीजिए आसपास 8 से लेके 9 के बीच में रहा है, जब से अर्थ बना है, जब से वाटर बना है, तो 8.2 के अराउंड रहा है। तो मतलब वो थोड़ा थोड़ा एल्कलीन है वाटर है, लेकिन वो अब धीरे 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 वो उसका एसिडिक हो रहा है, तो वो मतलब उसका पीएच वैल्यू क्या है, वो 7 से, पीएच वैल्यू जब 7 के नीचे जाता है तो वो एसिडिक कहलाता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जब पीएच वैल्यू कम हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में? ओशियन एसिडिफिकेशन। ठीक है, व्हेन द कार्बन ऑक्साइड डिजोल्व इन ओशियन वाटर, जब हम CO2 जो है, जब CO2 जो है वो ओशियन वाटर में डिजोल्व होता है, ठीक है, इट क्रिएट, क्या क्रिएट करता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। जो साइंस के बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या तो बेसिक साइंस जिसने पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ते हैं, तो दो हाइड्रोजन जब CO2 जब क्या कहते हैं डिजोल्व होता है ओशियन में वाटर में, तो H2O के साथ, देखिए यहाँ पे H2O के साथ मिलता है, वो क्या बनाता है? देखिए CO2 + H2O, तो क्या बना देगा ये? H2CO3। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो जी ये कार्बोनिक एसिड है इसके, और क्या कहते हैं H+ का आयन, इसका क्या H+ जो यही है, यही पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है, इसी से हम पीएच वैल्यू नापते हैं। तो H हाइड्रोजन आयन जो है वो कंसंट्रेशन में, ओशन की कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब CO2 अगर मान लो बढ़ेगा तो उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा, तो उसकी वजह से H+ हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे और उसकी वजह से एसिडिफिकेशन बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सा चेन है। ठीक है, तो यहां पे देखिए वही लिखा हुआ है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ओशन हेल्प्स इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट इफेक्ट्स। जो हमारे क्लाइमेटिक इफेक्ट्स है नेचुरली, जो क्लाइमेट इफेक्ट्स हमारे अंदर होता है, जैसे वॉल्केनो फूटा, तो वॉल्केनो से क्या कहते हैं जो CO2 निकला है, या कहते हैं जो नेचुरल CO2 है, तो वो सारा कहाँ एब्जॉर्ब होता है? नेचुरली वो ओशन में जाके एब्जॉर्ब, तो वो हमको बचाता भी है, क्या कहते हैं, क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज से ओशन। ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट हैज नेगेटिवली इंपैक्टेड पीएच वैल्यू ऑफ ओशन वाटर सच एज कैल्सिफाइंग एनिमल्स। तो मतलब कि जो, जैसे कैल्सिफाइंग एनिमल्स उनको कहते हैं, जैसे क्रस्टेशियंस हो गए हैं, और आपका क्या कहते हैं कोरल, सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज है कोरल जो है, शी सेल्स जो है वो, जब वो उनको कहते हैं कैल्सिफाइंग एनिमल्स, तो सोचा तो उनको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि पीएच वैल्यू, हम जरा सा फटाफट पढ़ लेते हैं पीएच वैल्यू होता क्या, तो आपको ये ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चार्ट मैंने बनाया है जो 0 से चालू हुआ है, रेड आपको दिख रहा होगा, और 14 से चालू हुआ है, यहाँ ब्लू दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 को कहा जाता है, 7 अराउंड न्यूट्रल होता है, मतलब कि ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एसिडिक हो गया इससे ऊपर। ठीक है, इससे नीचे क्या हो गया? एल्कलाइन हो गया। ठीक है, तो 7 क्या होता है? न्यूट्रल माना जाता है, 7 मतलब मिल्क आ जाएगा आपका, नॉर्मल स्ट्रीम वाटर अराउंड आ जाएगा, या तो जो प्रेसिपिटेशन होता है अराउंड 5 6 के बीच में होता है। 8 क्या हो जाएगा? एल्कलीन होगा, तो सी वाटर देखो बेकिंग सोडा और सी वाटर देखो 8 के आसपास है। फिर 10 के दो मिल्क और एल्कलाइन होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो हो गया, जो नॉर्मल मिल्क होता है वो अराउंड 6 के होता है, मतलब कि न्यूट्रल अराउंड न्यूट्रल ही होता है, न्यूट्रल से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? 10 के अराउंड होता है, अमोनिया 12 के अंदर, लाई जो 13 के होता है, ये पीएच स्केल मैंने आपको बता दिया कि एसिड रेंज जो होता है वो 1 से लेके 5 के बीच। आपने सुना होगा बहुत टर्म ये एसिड रेन है, एसिड रेन बहुत जगह होता है, एसिड रेन अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होता है, जब हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे क्यों होता है, किस किस रीजन होता है, स्पेशली नॉर्थन जो हेमिस्फीयर उसमें ज्यादा एसिडिक रेन होता है, एसिडिक रेन में क्या होता है ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है प्रेसिपिटेशन में, तो वो चीजें बहुत सारी चीजें गलाने लगता है। देखिए अगर अभी आप सर्च मारेंगे एसिड रेन के बारे में तो आपको दिख जाएगा गूगल फोटो,
इसके बारे में, एसिडिक रेन के बारे में मोर डिटेल में बात करेंगे आगे एनवायरमेंट चैप्टर में, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, बैटरी एसिड हो गए, ये सब जो है एसिडिक हुआ, ठीक है। आपको समय आ गया, न्यूट्रल साथ है, इसके नीचे अगर जाएगा वो पीएच वैल्यू तो क्या हो जाएगा, मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 वो एसिडिक कहलाएगा, जितना नीचे जाएगा 0 सबसे ज्यादा एसिडिक है, और एल्कलाइन जो है वो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 पीएच स्केल में होगा। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, मैंने जो ऊपर आपको ये चार्ट बताया था, देखिए इस फोटो में मैंने यही समझाया हुआ है, ठीक है। तो इस फोटो में मैंने क्या समझाया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऊपर से आया, CO2 डिसॉल्व हो गया, यहाँ पे वाटर के साथ मिला H2O के साथ, तो क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड मिलाया, ठीक है। फिर वो कार्बोनिक एसिड टूटा तो हाइड्रोजन आयंस जो कि पीएच वैल्यू बढ़ाने में मेंटेन मतलब बढ़ा देता है वो कहते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, CO2 बढ़ा तो पीएच आयन बढ़ेगा, पीएच आयन बढ़ा तो मतलब कि हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन आयन बढ़ा मतलब कि उसका पीएच वैल्यू कम होगा, मतलब जो पीएच चार्ट है मतलब 0 हो जाएगा, ठीक जी, 7 से कम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो बायो कार्बोनेट H2CO3 फिर उसको कार्बोनेट आयन बनाता है, CO3 2- बनाता है, ठीक है। ये सिंपल सा है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ओशियन आर एसिडिफाइंग फास्ट, ये एक चार्ट है, मैंने गूगल से ढूंढाया, काफी एक क्या कहते हैं रिपोर्ट है उससे ढूंढाया मैंने ये। तो आप देखिए यहाँ पर चार्ट, जब टाइम जो है यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स है बिफोर प्रेजेंट, अभी मान लीजिए 2020 है, 2020 के रेंज में हम लोग हैं, तो उसके अंदर मिलियंस व्यूज है, यहाँ देखिए मिलियंस में है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये चार्ट, देखेंगे पीएच वैल्यू 8 है, ठीक है। अभी ओशन करंट वाटर 8.2 के अराउंड, देखिए वो 8.2 हुआ, फिर ये धीरे 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 8.2 से नीचे घटा, फिर नीचे से 8.4 हुआ 50 मिलियंस पहले, फिर 50 मिलियन बाद 10 मिलियंस अराउंड कम हुआ, फिर देखिए ऑलमोस्ट स्टेबल रहा, फिर 5 मिलियन के बाद अब से 8.2 रहा, फिर 8.2 से अब धीरे धीरे देखिए 8 की तरफ जा रहा 2080 में। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि 2150 में ओशियन जो है उस ओशियन का पीएच वैल्यू 7.6 हो जाएगा, मतलब कि हम जो है धीरे धीरे एसिडिक होने की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि खतरनाक है हमारे ओशियनिक बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो आपको ये चार्ट आप अच्छे से पॉज करके वीडियो इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। द ओशियन एसिडिफिकेशन हैज इंक्रीज्ड ओनली आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यस, आज जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ 18th-19th century में, उसके बाद से ओशियन एसिडिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्री इंडस्ट्रियल पीएच वैल्यू ऑफ द ओशियन वॉट वॉज 8.179 विच आर कमिंग डाउन टू 8.074 विच कॉन्स्टिट्यूशन 19% इंक्रीज ऑफ एच प्लस आयन, देखिए एच प्लस आयन का 19% इंक्रीज हुआ, क्या कहते हैं प्री इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल में। प्रेजेंट जो पीएच वैल्यू ओशन वाटर की 8.069 है, दिस करस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन 28, देखिए 19 से 28.8% आ गया एच प्लस आयंस, और सिंस द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ 18th सेंचुरी। तो मतलब करंट वैल्यू क्या है 8.069 के अराउंड है, ठीक है। तो अभी हाइड्रोजन आयन कितना बढ़ गया 28.8%, अभी ये अराउंड 30% के ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, तो इंपॉर्टेंस क्या है पीएच स्केल की, मैं बता दूं, लोअरिंग पीएच वैल्यू ऑफ द ओशन वाटर हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम एंड फूड चेन। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था, अगर लोअर होगा पीएच वैल्यू तो एसिडिक हो जाएगा उसके, तो कोरल्स को होगा, कोरल्स के आसपास जो मछली रहती है उनको अफेक्ट करेगा, जो क्रस्टेशियंस रहते हैं उनको अफेक्ट करेगा, जो बायोडाइवर्सिटी ट्रीज है मतलब जो सी ग्रास हो गया, वीट ग्रास हो गया, ये सब उनको भी अफेक्ट करेगा, तो ऑलरेडी पूरा फूड चेन जो है हमारी वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म सच एज कोरल्स, इक्नोडर्म्स, क्रस्टेशियंस, केकड़े वगैरह, ठीक है, मॉलस्कस विल बी सेवरली अफेक्टेड बिकॉज द लोअरिंग पीएच मेक्स देम ओशियन अंडर सैचुरेटेड विद CaCO3 कार्बोनिक एसिड, एंड द रिजल्ट इज दैट द रेट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम मटेरियल वुड इंक्रीज। तो क्या हुआ, एसिडिक बढ़ेगा, तो जो कैल्सिफाइंग जो है कैल्सिफाइंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज है, जो कैलकेरियस मटेरियल जैसे कोरल्स हो गए, क्रस्टेशियन जो मर जाते हैं उनका शेल्फ जो हो गया, ठीक है, और जो मछली वगैरह मर जाते हैं उनकी हड्डियां जो है वो जल्दी जल्दी क्या कहते हैं वो डिसोल्यूट होने लगे, डिसोल्यूशन जल्दी होने लगे, डिसोल्यूशन रेट बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, हाइपर कैपनिया भी कहते हैं, ठीक है, हाइपर कैपनिया भी कहते हैं, मतलब कि CO2 इंड्यूस एसिडिफिकेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, देखिए यहाँ पे इसको हाइपर, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा हाइपर कैपनिया, कभी कभी यूपीएससी और पीसीएस में पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट कॉजेज ओशियन एसिडिफिकेशन,
सिंपल सा मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्या क्या एसिडिफिकेशन होता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपको मैंने ऊपर बता दिया, यस। हाइड्रोजन हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से CO2 इंक्रीज हो रहा है, CO2 इंक्रीज की वजह से pH वैल्यू कम होता जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि pH वैल्यू इसका 8 से लेके नीचे आ रहा है, ठीक, धीरे धीरे मतलब एसिडिक हो रहा है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से, यस। चेंजेस ऑफ लैंड यूज, रेजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द ओशन, ये आप रट लीजिए, ये आपको मेंस में लिखने में काम आ जाएगा, ठीक है, ये बोथ PCS में एंड UPSC में आल्सो, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कॉजिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन एच प्लस आयन इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज इन कार्बोनेट आयन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोडक्शन ऑफ अल्टरेशन ऑफ बायोगैस, लैक ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली लॉज एंड रेगुलेशन, यस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि जो लॉज एंड रेगुलेशन है वो इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ द इंडियन ओशियन एसिडिफिकेशन ऑन मरीन इकोसिस्टम, क्या क्या इफेक्ट करेगा, इट रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट, यस, विच इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ब्लॉक इन सी वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पॉइंट आप रट लीजिए, ठीक है। दूसरा, मरीन एनिमल्स जो इंटरैक्ट इन कॉम्प्लेक्स फूड वेब, मैंने आपको बताया दैट मे बी डिसरप्टेड, जो फूड वेब है, जो फूड वेब है वो क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। जैसे अभी कोविड ने देखिए सारे कंट्री को डिस्टर्ब कर दिया, वैसे ही समझ लीजिए अगर पीएच वैल्यू एसिडिक बढ़ा, ओशियन एसिडिफिकेशन बढ़ा, तो ओशियन जो है बायोडायवर्सिटी वो डिसरप्ट हो जाएगा और लॉस हो जाएगा। की स्पीसीज जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ओशियन की, जो कीस्ट इसको कहते हैं, की स्टोन स्पीसीज भी, की स्टोन स्पीसीज को मैं पढ़ाऊंगा आगे जब हम लोग और डिटेल में इन्वायरमेंट में जाएंगे। की स्टोन स्पीसीज मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जिसपे सारी स्पीसीज डिपेंड करती है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ क्या होता है, कोरल जो है एक प्रकार से की स्टोन स्पीसीज हो गया, तो कोरल जो है क्या कहते हैं, कोरल पे क्या फिश डिपेंडेंट है, कोरल पे उससे लार्ज एनिमल डिपेंडेंट, कोरल पे क्रस्टेशियंस क्रस्टेशियंस जो है डिपेंडेंट है, इसी हिसाब से कोरल्स क्या है, की स्टोन स्पीसीज मतलब कि की स्पीसीज है, ठीक है। तो ये लॉस हो जाएगा हमको, ठीक है। तो इट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन कमर्शियल फिशरीज एंड शेल फिशरीज, एक्वा कल्चर, रिक्रिएशनल फिशरीज, सबसिस्टेंस, ट्रेडिशनल शेल फिशरीज, फिशरीज टूरिज्म एक्टिविटीज हो जाएगा, स्नॉर्कलिंग हो गया, स्कूबा डाइविंग इसमें इफेक्ट करेगा। क्यों, जब भैया कोरल नहीं रहेगा तो क्या मतलब, कौन टूरिज्म करने आए, कोरल जो है एसिडिफाई होके कैल्सिफिकेशन रेट उसका बढ़ जाएगा तो कोरल खत्म हो जाएगा। आपको पता होगा नॉर्मली कोरल रिलीफ क्या होता है, तो कोरल जो कोरल के बारे में हम लोग इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आपको और डिटेल में कोरल्स के बारे में पता चलेगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर ओशन एसिडिफिकेशन, होप आई आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम क्लाइमेट चेंज स्टार्ट किए हैं, इन्वायरमेंट सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज में पढ़ा रहा हूँ। आने वाली वीडियो में हम शंकर आईएएस के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हर जगह आते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए और पढ़े इंडिया डॉट कॉम में जाइए और वहाँ पे अपने आपको लॉग इन करिए, वहाँ पे एक दो टेस्ट फ्री है उसको लगाइए, और कुछ टेस्ट जो है वो बहुत बहुत ही सस्ते कॉस्ट में, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में है। आप प्लीज़ वो सब्सक्राइब करिए और क्या कहते हैं टेस्ट लगाइए अच्छे से, ठीक है। सो गाइस और शेयर और फॉरवर्ड करिए चैनल को प्लीज़, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो गाइस स्टे सेफ, स्टे ब्लेस एंड थैंक यू।